हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनटीए नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एनटीए नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको एनटीए नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वैकेंसी एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो गाइज, हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं आप सभी एस्पिरेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, एंड उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो होने जा रहा है आज। तो गाइज, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा विद अपने फ्रेंड्स कॉलेग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथी या फिर आपके संग रहने वाले जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। क्या है ये नोटिफिकेशन, चेक कर लेते हैं। सो ये है सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट SWD की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में फ्री कोचिंग्स प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपी, सो ये मेनली यूपी की स्कीम है जिसके अंतर्गत जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स रहते हैं उनकी तैयारी के लिए यहाँ पर फ्री कोचिंग्स दी जाएंगी। क्या है प्रोसेस, चलिए देख लेते हैं। सो पहले हम जान लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं और एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुके हैं 1 मई से, यानी कि आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। लास्ट डेट जो रहे इस एग्ज़ाम को फिल करने की एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है 15 मई। तो यानी 15 मई से पहले पहले आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा इसमें एग्ज़ाम, हाँ पहले आपका एग्ज़ाम होगा, आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। अगर आप वहाँ क्वालिफाई होते हैं तो आपका कोचिंग स्टार्ट किया जाएगा 10 जून से। 10 जून से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कोचिंग की। सो यहाँ देखिए डेट दी गई है कि आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा इसमें वो होगा आपका 25 मई में, ठीक है। सो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है आपकी 18 से 21 मई, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है आपकी 25 मई। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, ठीक है। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। सो ये जो एप्लीकेंट फीस है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, OBC या EWAs में हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ SC ST वालों के लिए, क्योंकि अभी जो मैंने प्रीवियस ईयर एक वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ SC कैटेगरीज के लिए एक स्कीम्स जारी हुई थी, बट ये सभी फिल कर सकते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं फ्री क्लासेस लेना, उनको ये एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर आप SC ST या फिर OBC जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसका आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं है। ये बहुत ही अच्छी क्या है कि आप इसको एक कंपटीशन की तरह, मतलब एक इस पेपर को दे के भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एडमिशन ही लेना चाहते हैं तो ही दें, आप एग्ज़ाम्स देकर भी अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितना बना के रखते हैं अपना लेवल, जिससे कि आप आने वाले अपकमिंग जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उस पर खड़े उतर सकें। सो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो ये देखिए, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत आपका यूपी अभ्युदय योजना 2022 की एलिजिबिलिटी क्या है। एनी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, UPPSC, JEE, नीट, NDA, CDS, UP SSC, बैंक PO, TAT, SSC,
आर एलिजिबल, यानी आप इसमें से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही ग्रेट है ये। नेक्स्ट, ठीक है, सो कोर्स अवेलेबल रहेंगे इसमें आपको, यूपीएससी के मेंस प्री इंटरव्यू तक आपको कराया जाएगा, यूपीपीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू रहेगा, जेई का नीट एनडीए सीडीएस बैंक पीयू एक्सेट्रा सॉरी कैट एंड सीएससी रहेगा। मोर डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 1 से 15 मई तक भरे जा रहे हैं, इसके बीच में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही फिल किए जाने हैं, ठीक है। कैंडिडेट चेक द करेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सभी फिल करेंगे, तो जैसे एलिजिबिलिटी है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस डिटेल है, बेसिक डिटेल सभी करेक्ट फिल करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट जैसे कि फ़ोटोज़ हैं आपके, साइन है, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा, ये स्कैन जो होंगे अगर इस फॉर्म में फिल किए जा रहे होंगे तो वो भी क्लियर करने हैं। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा आप उसे एक बार रिव्यू कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, बिकॉज करेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा फिर अगर कोई भी मिस्टेक होगी। और फाइनल आप सबमिट इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, टू टेक अ प्रिंट आउट टू फाइनल सबमिशन फॉर्म, ठीक है। सो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो इस डेट्स के अंतर्गत फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपडेट है, फ्री जो क्लासेस करना चाह रहे हैं कंपटीशन की, पेपर दें वो और मार्क्स चेक करें उनके कितने मार्क्स हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 25 मई तक, तो वो चेक कर पाएंगे कि वो कितने पानी में है, यानी कि उनका कंपटीशन अगर वो अदर क्लासेस से भी कर रहे हैं, मीन्स अगर आप अदर कोई क्लासेस ले रहे हैं, आपके इंडिविजुअली क्लासेस ले रहे हो या फिर कोचिंग से कर रहे हो, आपके लोकल में कोई स्टडी कर रहे हैं, कैसे भी आप कर रहे हैं, आप तो इस पेपर को भी दे सकते हैं, बिकॉज उसमें फीस नहीं है। आप फिल करिए, चेक करिए अपने आप को कितना आपने तैयार किया हुआ है, ठीक है। सो इसी तरह की मोर अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।